कुदाऊ सिंह, स्वर्गीय कुदाऊ सिंह अपने समय के बड़े प्रसिद्ध पखावजी थे। तत्कालीन दतिया, समथर, ग्वालियर आदि रियासतों में आपको बड़ा सम्मान मिला। आपका जन्म 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और मृत्यु उत्तरार्ध में हुआ। आपके गुरु का नाम लाला भगवान सिंह था। कुदाऊ सिंह देवी के भक्त थे और पखावज बजाने के पूर्व देवी की आराधना अवश्य किया करते थे। कहते हैं कि एक बार धौलपुर रियासत में जब आप बाजार से गुजर रहे थे तो वहां के नरेश की सवारी जा रही थी। हरकरा जो आगे दौड़ रहा था उसने आपसे हटने के लिए कहा। उसके कहने का ढंग आपको अच्छा ना लगा, अतः आपने उसे दो चार झापड़ लगा दिए। वहां के सैनिकों ने आपको जेल में बंद कर दिया। आप जेल में ही दिन भर दीवाल को ही पीटते रहते। कुछ दिनों के बाद उस राज्य में एक ध्रुपद गायक आया। उसके साथ कोई भी पखावजी नहीं बजा सका। अंत में आप बुलाए गए और आपने उसके गर्व को चूर कर दिया। उसके बाद से आप मुक्त कर दिए गए। ग्वालियर महाराजा स्वर्गीय जयाजी राव ने आपको बड़ा सम्मानित किया। समथर नरेश को, जिनको संगीत से बिल्कुल प्रेम नहीं था, पखावज से खुश करने के लिए आपने एक विकट परीक्षा दी। गजपर्ण द्वारा उन्मत्त हाथी को शांत कर भरी सभा में अपना मस्तक ऊंचा किया। अयोध्या नरेश ने आपको सदा कुंवर की उपाधि से विभूषित किया था। आपका शरीर बहुत रोबीला था, हाथ पैर लंबे और गौर वर्ण के थे। बाघ चर्म की टोपी और माथे पर तिलक लगाया करते थे। पान आपको बहुत पसंद था। पखावज सोलो और संगति दोनों में आप शिखर पर थे।